हेलो दोस्तों, ये है वेबसाइट UPDLED की। ठीक है, UPDLED मतलब जो BTC है, ठीक है, इसका ही नया नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है UPDLED.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और आज मैं आपको पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आज से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 18 सितंबर से दोपहर से। तो देखो, यहाँ पर दे रखा है कि DLED रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट तो 21 दिन 8 घंटे बचे हुए हैं, मतलब 21 दिन बाद, ये 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है आपकी। इसके पहले ही आपको भर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट सर्विसेज, तो यहाँ पर आपको UPDLED रजिस्ट्रेशन में आना है। ठीक है, UPDLED रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जैसे UPDLED एडमिशन है तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। UPDLED एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें खुल जाती हैं आपके पास। कैंडिडेट सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, नो योर रैंक, ठीक है, फेस सीट अलाटमेंट फीस, तो ये बात की चीज़ें हैं। पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर स्टेट रैंक वगैरह आएगी आपकी, वो बाद की प्रोसेस है। तो ये हो गई चीज़ें। तो UPDLED रजिस्ट्रेशन, ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया है, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, तो देख लेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस है फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आपको गाइडलाइंस में यही जो पूरा 16 पेज का जो विज्ञप्ति थी वही दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है तो यहाँ पर आपको दिखेगी, जो मैंने बता भी चुका हूँ आपको पहले कि रजिस्ट्रेशन फीस 700 रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 700 रहेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जनरल OBC की जो फीस है ये 700 है, और SC ST 500, एंड जो विकलांग कैटेगरी है वो है 200। ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे। फिर इसके बाद है यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बिना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर जाएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये हैं कि आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब नया ही होना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और जो फोटो का ये विड्थ हाइट है, इससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करेगी कि जो साइज ऑफ द फोटो है, ठीक है, नॉट मोर देन 20 KB। ठीक है, 20 KB से कम होना चाहिए आपका जो फोटोग्राफ है। ठीक है, और जो सिग्नेचर है आपका ये रहेगा 2 टू, मतलब 2 से 10 KB के बीच रहेगा। ठीक है, और एक कंप्रेसर करके आता है एप्लीकेशन, तो आप उससे भी साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बढ़िया तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको स्कैन करना है। ठीक है, फ़ोन से भी कर सकते हैं, और अगर आप स्कैनर से कर रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर है, तो ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है उसमें क्या क्या डिटेल मांगी जा रही है, फोटो और सिग्नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें मैंने पढ़ ली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस वापसी नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो यहाँ पर टिक करेंगे, और जैसे टिक करेंगे तो प्रोसेस आगे खुल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके आगे का खुल गया है, और जो सबसे नीचे है यहाँ पर, तो सबसे नीचे आ गया है कि पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाली विंडो ओपन हो गई है, ये है पूरा पेज, मैं अपने आप को एक्साइट कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, और इसके बाद ये चीज़ें हैं। तो सब तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम और उसके, मतलब अपने पिता का नाम, जिस भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं,
और मदर्स नेम माता जी का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भरनी है जो आपके सर्टिफिकेट्स में है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फिर डोमिसाइल। तो डोमिसाइल में आपको ऑप्शन मिलता है कि यूपी के हैं कि अदर देन यूपी, दूसरे स्टेट के हैं, तो आप अदर देन यूपी सिलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज आप बिहार से हैं, ठीक है, आप मध्य प्रदेश से हो सकते हैं, या आप किसी दूसरे राज्य से हैं, जिस भी किसी दूसरे राज्य से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, बट उनको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिले, वो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कंसीडर किए जाएंगे सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई है, अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है कि आपको आंखों से संबंधित समस्या है, हियरिंग मतलब आपको सुनाई नहीं देता अच्छे से, ऑर्थोपेडिक आपको हड्डी में कहीं पर कोई विकलांगता है, फ्रीडम फाइटर के आप डिपेंडेंट हैं, मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं, ठीक है, एक्स आर्मी सर्विस मैन हैं, तो अगर इनमें का इनका आपकी कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप इतनी चीज़ें भर लेंगे, तो फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती है। ग्रेजुएशन यूपी में क्या है कि ग्रेजुएशन मॉन्डेटरी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए डीएलएड करने के लिए, बल्कि जो अदर स्टेट हैं जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर 12th के बाद ही आप डीएलएड कर पाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हुआ है, और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो यूपी के मैक्सिमम बच्चे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर कर लूँगा। कॉलेज नेम कौन सा है, तो कॉलेज नेम मेरा सेम ही है, कोई वही दूसरा नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो बीएचयू कर देता हूँ मैं। फिर इंटर यहाँ पर पासिंग ईयर, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर इस साल का जिसका है तो इस साल का भर देंगे, और जिसका पिछले साल का है तो पिछले साल भर देंगे, ठीक है। मेरा 2023 है पासिंग ईयर। अब फिर रोल नंबर क्या था, इनरोलमेंट नंबर क्या था, ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है उसको आप भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एज अ डेमो दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, मार्कशीट नंबर। अब आपको मार्कशीट दी गई होगी, ठीक है, तो जो मार्कशीट आपको दी गई है उसमें नंबर दिया होता है, तो उस नंबर को यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। मार्कशीट का आपका जो भी नंबर है उस नंबर को यहाँ पर भरेंगे, मार्कशीट में कोने में दिया होता है, आप इस चीज़ को देख लेंगे, नहीं कोने में नहीं देते, कोने में दिया होता है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, और मार्कशीट नंबर ये आपको मिल जाता है। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स 1000 है जैसे, ठीक है, तो ऑब्टेंड मार्क्स आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो आपको जैसे कितने नंबर प्राप्त हुए, जैसे, ठीक है, यहाँ पर मार्क्स भर देंगे, जैसे मुझे प्राप्त हुए 750 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है तो ये अपने आप आ जाएगा कि 75% प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को भर लेना है, इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। और आपको कहीं पर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके बाद यहाँ पर से आप कैप्चा भर लेंगे, ठीक है, एच पी, ठीक है, ये कैप्चा पूरा एच पी सेम का सेम, और फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है फेज वन का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी मैं एक रियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर करके दिखाऊंगा और पेमेंट भी करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये चीज़ें इतना कर सकते हैं कि पहले फेज का रजिस्ट्रेशन आप कर लें और अपना जो पेमेंट है उसको कर लें, अगर आप कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल।